हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ये जो इंडेक्स है और BEML ये जो स्टॉक है फ्यूचर में और कैश में, इन दोनों का टेक्निकल एनालिसिस क्या होगा कल मंडे और आने वाले कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। तो आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, इसलिए प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ नाउ आई एम एसोसिएट पार्टनर ऑफ अपस्टॉक्स, तो अगर आप मेरे थ्रू अपस्टॉक्स में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे थ्रू अपस्टॉक्स में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने अभी नया टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है जिसमें कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 70 मेंबर्स कनेक्ट हो चुके हैं, तो आप भी अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं और लाइव मार्केट कॉल्स एंड अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है अपस्टॉक्स सॉफ्टवेयर है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का फिलहाल जो प्राइस चल रहा है वो है 23,197। ठीक है, तो आपने देखा कि बैंक निफ्टी का जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट इस लेवल तक आ गया था, और ये लेवल था आपका 23,900 का लेवल। ठीक है, और 23,900 के लेवल पे जाने के बाद वहां से ये जो है कंटिन्यूसली नीचे की ओर आने लगा, और देखिए नीचे की ओर आया लगभग ये इस लेवल तक, और ये लेवल था आपका 23,080 का लेवल। ठीक है, 23,080 लेवल तक नीचे आया, यहां से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद यहां से ऊपर की ओर गया इस लेवल तक। ठीक है, और ये लेवल था आपका लगभग 23,380 का लेवल, है ना, 23,380 का लेवल तक यहां तक आया, या उसके बाद फिर यहां से देखिए वापस डाउनसाइड आया वापस ठीक इसी लेवल तक 23,080 तक। हालांकि इसका लोअर शेडो थोड़ा और नीचे आ गया था, मगर कैंडल की क्लोजिंग जो है इसी जगह पे हुई 23,080 पे, और यहां से जो है अब ये वापस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अब बैंक निफ्टी में कल मंडे और आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या किया जा सकता है हम इसको देखते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इस लेवल को ध्यान में रखना है, 23,080 का लेवल। अगर ये 23,080 का लेवल टूट जाता है, अगर मान लीजिए कि मंडे को मार्केट खुलने के बाद प्राइस नीचे आता है और 23,080 का लेवल टूट जाता है और प्राइस इसके नीचे आता है, और नीचे आने के बाद वापस 23,080 के ऊपर नहीं जा पाता है, इसी लेवल पे अगर रुकता है, तो फिर जो है बैंक निफ्टी में यहाँ से एक और डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। ये है इसकी पहली सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 23,080 पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ये कंटिन्यू अपसाइड में जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 23,080 का लेवल। ठीक है, सॉरी 23,380 का लेवल। अगर ये 23,380 के लेवल पे पहुंचता है तो यहाँ पे जो है इसको एक बार और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, पर अगर ये 23,380 का लेवल यहाँ पे तोड़ देता है तो फिर जो है आपको बैंक निफ्टी में एक और बड़ा मुंह देखने को मिल सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस कल मंडे और आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो आपको यहाँ पे दो लेवल को ध्यान में रखना है। सबसे पहला लेवल 23,080 का लेवल, जो कि एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, और जब तक ये लेवल मेंटेन है तब तक बैंक निफ्टी अपसाइड में ही रहने वाला है। और दूसरा 23,380 का लेवल, ये 23,380 का लेवल फिलहाल अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक ये 23,380 का लेवल तोड़ के इसके ऊपर नहीं आता है ये यहाँ से ज्यादा अप मुंह देखने को नहीं मिलेगा। पर एक बार अगर ये 23,380 का लेवल टूट जाता है तो फिर बैंक निफ्टी में एक और बड़ा मुंह देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। आपको इन लेवल्स का ध्यान में रखना है अगर आप बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं BEML ये जो स्टॉक है इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे BEML का फ्यूचर का चार्ट यूज कर रहा हूं फिलहाल,
तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये फ्यूचर और इक्विटी दोनों के लिए है। तो अगर आप कैश में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए भी आप ये एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो भी आप ये एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि BEML जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, देखिए ये कंटिन्यूसली अपसाइड गया और ये इस लेवल तक आया, ये लेवल था आपका 21575 का लेवल, ठीक है, 1575 के लेवल के आसपास तक आया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है और ये 1575 के लेवल पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ से देखिए 1570 का लेवल, ठीक है, 1570 के लेवल पे रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आया ठीक इस लेवल तक, ये लेवल था आपका 1445 का लेवल, ठीक है, 1445 के लेवल तक नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद फिर वापस नीचे आया, फिर ठीक इसी जगह पे जहाँ पहले सपोर्ट लिया था 1445 के लेवल पे, ठीक उसी जगह पे फिर से सपोर्ट लिया यहाँ पे 1445 के लेवल पे और यहाँ से देखिए ये कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर जाने लगा और फिलहाल अभी जो है ये ट्रेड कर रहा है 1538 के लेवल पे, ठीक है, 1538-39 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो BEML में कल मंडे और आने वाले कुछ दिनों में आप क्या क्या कर सकते हैं, हम इस चीज को अब यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि जैसे आपको पता है कि 1445 लेवल ये BEML के लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है फिलहाल, और जब तक ये 1445 का लेवल मेंटेन कर रहा है तब तक जो है ये स्टॉक ये इस प्राइस से तो ऊपर ही रहने वाला है, इस प्राइस के नीचे नहीं आएगा। पर अगर एक बार ये 1445 का लेवल टूट जाता है तो फिर जो है BEML में एक बड़ा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, ये है इसकी पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अभी जहाँ पे इसका प्राइस है जो कि आपका 1538-39 के लेवल पे है, कल मान लीजिए मार्केट खुलने के बाद अगर इसका प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाता है तो आपको जो है 1570 का जो लेवल है इस लेवल को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये लेवल जो है पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर चुका है। तो हो सकता है कि जब इसका प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाए तो 1570 के लेवल पे जब पहुँचेगा तो हो सकता है कि ये लेवल इसको वापस रेजिस्टेंस दे और यहाँ से इसको वापस नीचे की ओर ढकेल दे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इन दोनों लेवल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है और सबसे पहले जो है 1570 के लेवल को आपको खास करके ध्यान में रखना है कि इस लेवल पे जब प्राइस आएगा 1570 के लेवल पे तो वहां पे जो है ये रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों BEML और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। तो इन दोनों टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर कल मंडे और आने वाले कुछ दिनों के लिए आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और आप जो है बैंक निफ्टी और BEML में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ जरूर शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप मेरे थ्रू अपस्टॉक्स में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट हो सकते हैं टू गेट लाइव मार्केट कॉल्स एंड अपडेट्स, ठीक है। तो ऑल राइट दोस्तों, सो हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।